जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन को एंड किया था जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फिर मैंने आपसे कहा था कि अभी आप लोगों को 4-5 दिन का गैप आएगा जिसमें आप लोगों को पहले 2-3 दिन हम टाइम दे रहा हूँ जिसमें आप 3.6 और 3.7 एक्सरसाइज को कम्प्लीट करोगे। उसके बाद जो दिन आएंगे आगे के उसके अंदर में आप लोगों को वर्कशीट्स और उसके आंसर की वर्कशीट आंसर की और उसके बाद टेस्ट, इस तरह से आएगा मैंने आपसे कहा था। तो अब यहाँ पर मैंने आपसे ये भी कहा था जब आप 3.6 और 3.7 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हो और जो भी डाउट आते हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, तो मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास में दो डाउट्स आए हैं जो कि है एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड और थर्ड, ये मुझे डाउट्स में आए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ डाउट्स के लिए बना रहा हूँ, तो आप ये वीडियो को देख लो जिसके अंदर में जो डाउट्स है आपके अगर है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 जो कि एनसीईआरटी पेज 67 पे है। इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके सब क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस पे हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish the same work in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that the time taken by one man alone. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स जो है ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होते हैं, तो ये नॉर्मली जैसे हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं वैसे नहीं होगा, इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक अलग मेथड है, अलग मेथड इन द सेंस इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, और वो है यूनिटरी मेथड। तो हम लोगों को पहले यूनिटरी मेथड से पता करना पड़ेगा एक चीज़, वो जब पता चल जाएगा तो उसका यूज़ करके हम आगे इक्वेशंस बनाते हैं। अब वो क्या पता करना है पहले हम उस पर बात करते हैं। जनरली वर्क एंड टाइम से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर में कैसा दिया होता है कि इतने इतने आदमी मिलके इतने इतने दिन में काम ख़त्म करते हैं, या एक पाइप है जो टैंक को या सिस्टर्न को भर रहा है, तो एक पाइप अकेला अगर शुरू करेगा तो 5 आवर्स में वो पूरे टैंक को भर देगा। इस तरीके के आप लोगों को क्वेश्चंस में कंडीशंस दी रहती हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यूनिटरी मेथड सॉल्व लगा के, यूनिटरी मेथड अप्लाई करके हम लोगों को ये पता करना है कि अगर एक आदमी इतने दिन में काम ख़त्म कर रहा है तो वो एक दिन में मैंने यूनिटरी मेथड कहा ना, तो हम 1 day का या 1 hour का जो भी टाइम का यूनिट दिया हुआ है, डे वाइज दिया है, आवर वाइज दिया हुआ है, तो हम उसका 1 unit का आंसर निकालेंगे कि कितना काम करता है। अब वो कितना काम करता है जो आएगा वो क्या आएगा, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डन। यानी मान लो एक आदमी 10 दिन में काम कंप्लीट करता है तो वही आदमी 1 दिन में कितना काम करेगा। और यहाँ पर हमको ये अज्यूम करके चलना है कि वो हर दिन में इक्वल काम कर रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक दिन में हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द वर्क ही डज। फिर यहाँ पे दूसरी बात आप लोगों को ख्याल में ये रखना है कि कंप्लीट वर्क को हम न्यूमेरिकली 1 से डिनोट करेंगे। कंप्लीट वर्क को हम न्यूमेरिकली 1 से डिनोट करेंगे, मैं समझाता हूँ कैसे और क्यों, ओके। तो ये 2-3 बातें आपको समझ में आ गई। सबसे पहली कि हम लोगों को 1 unit का आंसर निकालना है, यानी 1 hour में या 1 day में वो कितना फ्रैक्शन ऑफ द वर्क कंप्लीट होगा, और कंप्लीट वर्क को हम लोगों को 1 कंसिडर करके चलना है। अभी जरा देखते हैं कैसे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ आपको कि अगर एक आदमी 10 दिन में काम कंप्लीट करता है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेज और यहाँ पे लिखूँगा वर्क। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक आदमी 10 days में पूरा वर्क कंप्लीट करता है, मतलब कितना वर्क कंप्लीट करता है, 1 work। मैंने बोला था एक वर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 complete work इज डन इन 10 days बाय अ मैन। सो वी इंटेंड टू नो कि वो आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। तो अभी हम लोगों ने वहाँ पर x ले लिया है। अब हम यहाँ पर जनरली क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या आएगा, 10x = 1 × 1, 1।
तो x का वैल्यू पता करना है, तो 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/10। यानी अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जब एक आदमी 10 दिन में अपना पूरा काम खत्म करता है तो वो एक दिन में 1/10 यानी 1/10 ऑफ द वर्क कंप्लीट करता है, यानी उतना फ्रैक्शन वो कंप्लीट करता है। ठीक है, अब हर बार हमको ऐसा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, हम इसी पर से कंक्लूजन निकालेंगे कि जितने डेज या जितने आवर्स में वो काम कंप्लीट कर रहा है उसका अगर आप रेसिप्रोकल ले लेते हो तो वो 1 डे का या 1 यूनिट ऑफ टाइम का वर्क आता है, 1 डे का या 1 आवर का या 1 मिनट का, वॉट एवर। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ टाइम का वर्क उतना फ्रैक्शन आता है। कितना फ्रैक्शन आता है? जितने डेज में वो काम कंप्लीट कर रहा है उसका रेसिप्रोकल। कैसे आता है मैंने आपको समझाया। अब मान लो मैं बोलूँ कि वो कोई एक काम है जो 5 दिन में खत्म हो रहा है या 5 आवर्स में एक टैंक को एक नल भर दे रहा है, एक पाइप, तो आप क्या बोलोगे कि 1 घंटे में वो कितना काम करेगा या कितना फ्रैक्शन ऑफ द टैंक कंप्लीट करेगा? बोले 1/5, राइट। 2 घंटे में बोले 2/5, 3 घंटे में 3/5, 4 घंटे में 4/5, 5 घंटे में 5/5। अब 5 घंटे में जब उसने 5/5 टैंक भर लिया, मतलब 5 घंटे में काम खत्म हो गया, तो कितना काम खत्म हुआ? 5 × 1 = 5, तो आंसर कितना आया? 1। इसलिए हम कंप्लीट वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। क्यों? क्योंकि कंप्लीट वर्क मीन्स 5/5। यहाँ पे कंप्लीट वर्क मतलब 10/10, तो हर बार उस फ्रैक्शन का आंसर कितना आएगा? 1। तो 1 कंप्लीट वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को इतना ही समझ के रखना है, बाकी आपको वो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो इनडायरेक्टली समझ में आ रहा होगा। कुछ चीज़ें जो है वो अपने आप समझने की रहती है। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने आपको क्या याद रखने के लिए बताया कि जितने डेज या जितने आवर्स में वो काम कंप्लीट हो रहा है उसका रेसिप्रोकल 1 यूनिट आवर या 1 यूनिट टाइम का वर्क होगा उतना फ्रैक्शन। ठीक है, और कंप्लीट वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। तो आप लोगों को ख्याल में क्या रखना है, ये कुछ भी नहीं, सिंपल, जितने डेज में या जितने घंटे में वर्क कंप्लीट हो रहा है उसका रेसिप्रोकल 1 दिन का या 1 घंटे का काम हुआ, दैट्स इट, फिनिश, इससे ज़्यादा नहीं। समझ में आया? तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए हैं प्रॉब्लम के ऊपर फिर से। क्वेश्चन है, 2 women and 5 men कैन फिनिश टुगेदर एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। अगर 2 औरतें और 5 आदमी ये मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में फिनिश करते हैं। अब हमको ये नहीं पता है कि भैया एक औरत अकेले अगर काम करेगी तो कितने दिन में ख़त्म करेगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर जब काम करेंगे तो 4 दिन में कंप्लीट होगा। अब हम ये सपोज करके चलते हैं कि पूरा का पूरा काम अकेली एक औरत कर रही है तो वो कितने दिन में काम ख़त्म करेगी, वी डू नॉट नो इट। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक ही आदमी काम कर रहा है, पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क एक ही आदमी कंप्लीट कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? नहीं पता। क्यों हम लोग इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में अल्टीमेटली उसने यही पूछा है कि फाइंड अ टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन, राइट। पूछा नहीं भी रहा तो हमको इसी को लेके चलना पड़ेगा। क्यों, कैसे, अभी सब समझ में आएगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क by 1 woman is equals to x days। अगर वो एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट करती है एक औरत तो कितने दिन में ख़त्म कर रही है, हम बोल रहे हैं x days में, और by 1 man एक आदमी कितना टाइम लेगा, y days। अब मैंने आपको अभी बताया कि हम लोगों को इस पर से पता करना पड़ेगा कि एक औरत अगर x डेज में पूरा काम ख़त्म करती है तो वो 1 दिन में कितना काम कर रही होगी,
ठीक है, यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो हर दिन एक जितना ही काम कर रहे हैं. इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड एवरी डे बाय वन वुमन. ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय कंप्लीटेड इन वन डे बाय वन वुमन इज इक्वल्स टू, कितना आएगा, 1/x. इतना काम वो रोज करेगी, इतना काम वो रोज करेगी. और वन मैन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y. ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि रेसिप्रोकल क्यों लिया जाता, हम बार बार वो करके दिखाएंगे नहीं, सिंपली विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ डेज और आवर्स. ओके, अब ये तो हुआ एक औरत और एक आदमी का एक दिन का काम, राइट. चलिए अब पहली कंडीशन पे आते हैं, तो यहां लिख रहा हूं मैं बाय फर्स्ट कंडीशन. पहली कंडीशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वर्क इन वन डे बाय, अब पहले केस में कितनी औरतें काम पे लगी हुई हैं, दो औरतें, टू विमेन इज इक्वल टू, एक दिन में दो औरतें कितना काम करेगी, तो भैया एक औरत एक दिन में 1/x काम कर रही है, तो दो औरतें कितना काम करेगी एक दिन में, इसका डबल. हम यहाँ पे ये भी अज्यूम करके चल रहे हैं कि हर औरत एक दिन में एक जितना ही काम कर रही है, सभी को उतना टास्क है उतना करना ही पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम बोलेंगे 2 × 1/x, यानी 2/x, इतना काम दो औरतों ने कर लिया एक 1/x करके. फिर आदमी कितने हैं काम पे, पांच, तो 5 men जो है ये कितना काम करेंगे एक दिन में, एक आदमी 1/y वर्क करता है, तो 5 आदमी कितने करेंगे, 5/y, इतना काम. तो दोनों ने मिलके, दोनों ने मतलब दो औरतें और 5 आदमी, इन 7 लोगों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, इतना दो औरतों ने किया इतना 5 आदमी ने, दोनों मिला के कितना काम हो गया, इन दोनों का एडिशन. तो अब हम बोलेंगे देयरफॉर वन डेज टुगेदर वर्क, वन डेज टुगेदर वर्क इज इक्वल टू, कितना रहेगा, 2/x + 5/y, 2/x + 5/y. अब आप लोगों को अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा दिखाई भी देता है, तो जैसे मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, तो आप नोटबुक में उसको उतारते रहो, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है. ये लिखने का तरीका लगभग ऐसा ही रहना चाहिए, आप डिटेलिंग नहीं करते हो वर्ड प्रॉब्लम में, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हो कि मार्क्स भी पूरे मिले, ये नहीं होगा, ठीक है. ओके, तो वन डेज टुगेदर वर्क इज इक्वल टू 2/x + 5/y, ये हमारे हिसाब से दो औरतें और 5 आदमियों का एक दिन का काम आया. लेकिन वो क्या बोल रहा है कि जब दो औरतें और 5 दिन मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म होगा, 4 दिन में, 4 days में. तो वो बोल रहा है बट टू विमेन एंड 5 men कंप्लीट्स द वर्क इन हाउ मेनी डेज, 4 days. ये आपको किसने कहा, गीवन ने, किसने कहा, गीवन ने. तो भैया दो आदमी और सॉरी दो औरतें और 5 आदमी मिलके 4 दिन में काम कर रहे हैं, तो इतने लोग मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4, 4 दिन का रेसिप्रोकल, राइट. तो यहां पे आप बोलोगे देयरफॉर इन वन डे दे, जो भी स्पेलिंग होगा इसका, दे कंप्लीट 1/4 वर्क. वो एक दिन में 1/4 वर्क कर रहे हैं. हमारे हिसाब से एक दिन में दो औरतें और 5 आदमी इतना काम कंप्लीट कर रहे हैं, गिवन कंडीशन के हिसाब से दो औरतें और 5 आदमी मिलके 1/4 वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारे हिसाब से एक दिन का काम हुआ, ये उनके हिसाब से एक दिन का काम हुआ, तो दोनों इक्वल होने चाहिए. तो आप बोलोगे देयरफॉर 2/x + 5/y इज इक्वल टू, कितना हो गया बेटा, 1/4. अब आप ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी आपको क्या करना है, सिर्फ 4 को यहाँ भेजना है, 1 यहीं रहेगा, 4 को यहाँ भेजा तो ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 2 = हो जाएगा 8/x, 5 × 4 = हो जाएगा 20/y,
इज इक्वल्स टू वन, इतना। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब ऐसा ही इक्वेशन नंबर टू बनेगा, मैं आपको शॉर्ट में इक्वेशन टू लिख कर देता हूँ, डिटेलिंग ऐसी ही रहेगी। फिर से यहाँ पे टाइटल रहेगा बाय सेकेंड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं फिर से पढ़ूँ, टू वीमेन एंड फाइव मैन कैन फिनिश द वर्क इन फोर डेज, ये हो गया। सेकेंड केस में बोल रहा है वाइल थ्री वीमेन एंड सिक्स मैन, अगर तीन औरतें और छः आदमी हैं तो भैया हमारे हिसाब से तीन औरतें एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी, तो बोलोगे थ्री बाय एक्स, छः आदमी सिक्स बाय वाई, तो ये दोनों मिलके कितना काम कंप्लीट करेंगे वन डे में, टुगेदर वर्क कितना हुआ उनका, तो यहाँ पे आएगा टू बाय एक्स प्लस थ्री बाय वाई, यहाँ पे वाई होना चाहिए था, सॉरी यहाँ बराबर है, यहाँ पे थ्री बाय एक्स, यहाँ पे सिक्स बाय वाई, मैंने गड़बड़ की, ठीक है। तीन औरतें एक दिन में कितना काम करेगी थ्री बाय एक्स, छः आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे सिक्स बाय वाई, तो दोनों का एक दिन में काम कितना हुआ थ्री बाय एक्स, थ्री बाय एक्स प्लस सिक्स बाय वाई, ये दूसरे कंडीशन की बात चल रही है, ये मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो एक दिन में तीन औरतों ने इतना काम किया, एक दिन में छः आदमियों ने इतना काम किया, दोनों ने मिलकर एक दिन में इतना काम किया, ऐसा हमने बोला, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि तीन औरतें और छः आदमी तीन दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में उन्होंने कितना काम खत्म किया, जैसे यहाँ चार दिन में कर रहे तो एक दिन में कितना किया वन बाय फोर, तो यहाँ पे तीन दिन में बता रहा है तो कितना खत्म करेंगे वन बाय थ्री, तो ये और ये कैसा रहेगा इक्वल, तो आप यहाँ पे लिख लो वन बाय थ्री, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। अब क्या करना है, थ्री को यहाँ शिफ्ट कर दो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, थ्री यहाँ पर गया तो थ्री थ्री हज़ार क्या होगा नाइन बाय एक्स, प्लस थ्री इधर गया तो थ्री सिक्स हज़ार एटीन बाय वाई इज इक्वल टू कितना बच गया वन, तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर टू, जैसे यहाँ पे आया इक्वेशन नंबर वन। सेम ऐसा ही है, पहले इसमें जितना डिटेल लिया वैसा ही है, अब सेकेंड इसमें बार बार उतना डिटेल ले नहीं सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप उसी तरह से करो। मैंने यहाँ पे सेकेंड केसेस के बारे में लिखा है पार्टीशन दे के, ठीक है। जैसे फोर डेज का था, ये थ्री डेज का रहेगा, तो ये वन वन बाय फोर वर्क कर रहा है, ये वन बाय थ्री वर्क कर रहा है, ये दोनों मिला के इतना वन बाय थ्री आंसर आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई किया ये बन गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू जिसमें डिनोमिनेटर में एक्स और वाई है, तो आप 1 बाय एक्स के जगह यू रखो, 1 बाय वाई के जगह वी रखो, उसको सॉल्व करो, यू और वी पता चलेगा, फिर वापस उसकी वैल्यू रखो तो आपको एक्स और वाई पता चलेगा, तो एक्स पता चलेगा तो आप बोलोगे उतने दिन में एक औरत पूरा काम खत्म करती है, वाई पता चलेगा तो उतने दिन में एक आदमी पूरा काम खत्म करता है, इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेन है यहाँ पे इक्वेशन बनाना, मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, वो आपको करना है। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बेटा प्लीज़ मुझे आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन पे आप पूछ सकते हो कि सर ये वाली स्टेप नहीं समझी, आई विल एक्सप्लेन, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही एक जो भी लेडी है, लड़की है, उसका घर यहाँ जहाँ पर भी वो है वहाँ से 300 किलोमीटर है, तो टोटल 300 किलोमीटर की जर्नी वो दो अलग अलग तरीके से कवर करती है। कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर कर रही है और बचा हुआ कुछ डिस्टेंस बस से कवर कर रही है। तो ऐसा करते वक्त क्या हो रहा है, शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर 300 में से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और रिमेनिंग यानी 240 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करती है, तो उसको टोटल 4 घंटे लगेंगे अपने घर पर पहुंचने के लिए। दूसरे केस में वो बोल रहा है, इफ़ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 के जगह 100 किलोमीटर से अगर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और बचा हुआ रिमेनिंग बाय बस यानी 200 किलोमीटर, तो शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, किससे, पहले वाले से, तो पहले में कितना टाइम लग रहा था उसको 4 घंटे, अब कितने लग रहे हैं 4 घंटे और 10 मिनट। तो पूछ रहा है कि बताओ ट्रेन का स्पीड कितना होगा और बस का स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई किसको कंसिडर करेंगे बेटा, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस को, ठीक है, और कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया है टाइम, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे हमने पिछले है ना इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बोट का देखा था, उसमें भी हमने टाइम कैसे बनाया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, ओके। तो चलो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आर एंड
बस इज इक्वल्स टू वाई किलोमीटर पर आर, ये ट्रेन और बस की स्पीड्स हो गई। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं केस वन, देयरफॉर इन केस वन, पहले केस में टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रूही इज इक्वल्स टू 300 किलोमीटर। ये दोनों भी केसेस में सेम ही रहने वाला है तो डबल लिखना पड़ेगा। इससे बेटर हम क्या करते हैं, केस वन वाला जो टाइटल है वो नीचे ले लेते हैं, सो दैट ये कॉमनली दोनों भी केस में एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर इन केस वन, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर, एंड बाय बस, तो बस में कैसा रहेगा 300 में से 60 माइनस करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसने दिया नहीं, तो यहाँ पे आएगा 240 किलोमीटर। ठीक है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर टाइम टेकन फॉर द जर्नी बाय ट्रेन, तो ट्रेन की जर्नी 60 किलोमीटर की, इसको टी वन लेते हैं टाइम, वो कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम है तो डिस्टेंस आया 60 और उसमें स्पीड आई उसकी ट्रेन की x, तो 60 अपॉन एक्स आर, इतने घंटे उसको ट्रेन से ट्रैवल करने में लग गए। फिर टाइम टेकन फॉर द जर्नी बाय बस जिसको टी टू लेते हैं, तो बस से कितना ट्रैवल किया उसने 240 किलोमीटर, कितने की स्पीड से y, तो इतने घंटे जो उसको लगे वो काय से लगे, बस से। अब ये और ये मिला के कितने घंटे लग रहे हैं उसको, चार, क्योंकि ये कंडीशन में ही दिया हुआ है कि अगर ट्रेन से 60 और बस से 240 करेगी तो चार घंटे में अपने घर पहुंच जाएगी। तो आप यहाँ पे बोलोगे देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, ये टाइम और ये टाइम 60 बाय एक्स प्लस 240 बाय वाई, कुल मिला के कितना 4 आवर्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको इक्वेशन वन दे सकते हो, देना रहा तो, अदरवाइज आप देखो 60, 240 और 4 तीनों भी 4 से कॉमनली डिवाइड होते हैं, तो कर दो इक्वेशन छोटा हो जाएगा। तो इसको 4 से डिवाइड किया यहाँ पे, यहाँ से, यानी आप पूरे इक्वेशन को 1/4 से मल्टीप्लाई किया ऐसा समझो। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 15 बाय एक्स प्लस यहाँ पे किया 4 से, तो कितना रहेगा 60 बाय वाई इज इक्वल्स टू 4 कट गया तो कितना बचा 1, तो इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1। तो आपको ये लिख के नहीं दिखाना, आप डायरेक्ट यहाँ पे देयरफॉर करके लिख सकते हो, इतना अपने को लिबर्टी रहती है। ठीक है, ये तो केस वन का इक्वेशन बन गया। अब सेम केस टू का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन केस टू, केस टू में फिर से यही पूरा लिखोगे आप प्रवचन। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसी से ले लेता हूँ। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इन दिस केस इज 100 किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 300 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर। तो टाइम टेकन फॉर द जर्नी बाय ट्रेन, तो यहाँ पे आप T1 लोगे तो T1 का कितना आ जाएगा, ये केस टू चल रहा है इसलिए T1 T2 वापस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कितना रहेगा 60 बाय एक्स था, तो इस बार क्या लेंगे 100 बाय ट्रेन की स्पीड, तो 100 बाय एक्स आवर्स इस बार लगेंगे उसको ट्रेन से, और T2 बस की जर्नी में 200 किलोमीटर y की स्पीड से, तो इतने घंटे लगेंगे उसको बस से ट्रैवल करने के लिए। अब वो बोल रहा है कि जब ये दोनों टाइम को प्लस करोगे तो उसको घर पहुंचने को 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, यानी 4 से 10 मिनट ज़्यादा लगेगी। तो आप लिखोगे बाय गिवन कंडीशन केस टू में T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4 आवर्स प्लस 10 मिनट। अब यहाँ पे ये 10 मिनट को आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये एक एक्स्ट्रा की सर्कल्स यहाँ पे रहेगी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब तक ये वैल्यू ना लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। 4 आवर प्लस 10 मिनट यानी 10/60, ये आ गया आर में, ये कन्वर्ट हो गया तो कितना हो गया 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो 6 4 = 24 प्लस 1 इज 25 बाय 6 1 = 6, इतने घंटे लगेंगे उसको T1 प्लस T2, जो कि फिर से 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स ही आएंगे। हमने इसको आर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि सारे आंसर्स हमारे पास यूनिट आर में आ रहे हैं। ठीक है, नाउ T1 कितना रहा 100 बाय एक्स प्लस T2 कितना रहा 200 बाय
y इज इक्वल्स टू 25 बाय 6। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सब किससे डिवाइड हो रहे हैं वो एक बार कर लो। तो ये और ये 25 से डिवाइड होते हैं, तो पूरे ब्रैकेट को आप 1 बाय 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4 बाय एक्स प्लस ये आएगा 8 बाय वाई, 25 25 कट जाएगा 1 बाय 6। अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बोला। अब ये 6 है तो 6 को यहाँ फेंक दो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त, तो ये 6 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 4 24 बाय एक्स प्लस 6 8 48 वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्यों करते हैं हम लोग ऐसा कि यहाँ पे जो नंबर है वो कैसा रहना चाहिए, इंटीजर, फ्रैक्शन रहेगा तो सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब आपको फिर से पता है 1 बाय एक्स की जगह यू रखो, 1 बाय वाई की जगह वी रखो, यू और वी पता करो, यू और वी आ गया तो आप उससे एक्स और वाई निकाल सकते हो, एक्स आएगा स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड वाई आएगा स्पीड ऑफ द बस। फिर से बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत है कॉल मी, ठीक है। ये वाला वीडियो प्राइवेट नहीं रहेगा क्योंकि ये डाउट वाला वीडियो है, तो इसको मैं पब्लिकली पोस्ट करूँगा, ठीक है। बाकी के वीडियोस तो प्राइवेटली आपको आ ही रहे हैं। फिर से एक बार एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बना लिए हैं, ठीक है। तो इन केस अगर किसी को ग्रुप के लिए लिंक नहीं आई या ग्रुप में वो ऐड नहीं हुए हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज अपना नाम, क्लास और ब्रांच, आया सर वाली या मेरी, ये डाल दो और उसमें बता दो कि हमको ऐड करना है, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसकी, आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो सारे इन्फॉर्मेशन अभी आपको उस पर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले इसमें, टेस्ट के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जय हिंद।